असलम वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल वन एन अदर तो लॉग पब्लिक आज का जो व्लाग है वो दावत व्लाग होने वाला है बहुत ही यमी से यहाँ पे मैं मटन की कढ़ाई बनाऊँगी साथ में आपके साथ शेयर करूँगी जो जो भी मैंने बनाया है आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना है और अगर आपको मटन की कढ़ाई या मटन का सालन बनाना नहीं आता तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है तो बने रहिए हमारे साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हाँ साथ ही साथ मैंने कस्टर्ड भी बनाया था तो उसकी रेसिपी भी आपको मिलने वाली है एक तीर से दो शिकार होने वाले हैं पब्लिक तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा बाद में फिर मुझे कमेंट करके ये मत कहिएगा कि पिंकी यहाँ से ख़राब हो गया क्योंकि आप वीडियो पूरी नहीं देखते तो वीडियो आपने पूरी देखनी है तो बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ लेट्स गो तो यहाँ पे पब्लिक क्या है मेरे पास दो किलो के करीब मटन है तो ये कुकर थोड़ा बड़ा है तो ये थोड़ा लग रहा है लेकिन ये दो के है पूरा दो के है तो इस दो के जी में मैं तकरीबन डालूंगी ये तकरीबन मैंने ना प्याज़ चार या पांच प्याज होंगे मैंने इनको कट कर लिया है साथ में मैंने चार और पांच ये टमाटर हैं शायद ये कट कर लिए हैं और अभी मैं इनको कुकर के अंदर मैंने गोश वॉश करके डाल दिया है अभी इसी में मैं प्याज जाएंगे और इसी के साथ मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा एक चम्मच के करीब मैं नमक भी ऐड करूंगी शायद वो मैंने दिखाया नहीं लेकिन मैं बता रही हूँ और इसी के साथ मैं तकरीबन यहाँ पे तीन गिलास ये जो गिलास है ना मेरे पास गिलास का साइज़ एक जैसे होता है तकरीबन मैंने तीन के करीब ना ये पानी के गिलास इसमें डाल देने हैं और इसको मैंने कुकर को चढ़ा देना है चूल्हे पे तेज़ आंच पे तो कुकर को हमने चढ़ा दिया है तो साथ में मैं कस्टर्ड की तैयारी कर लेती हूँ दूध मैं फ्रीज करके रखा हुआ था खैर उसको मैंने निकाला है अभी इसको मैं पिघलने दूंगी तो ये दूध हमारा पिघल के मेल्ट हो चुका है मतलब अपनी दूध की फॉर्म में आ चुका है पहले ये बर्फ़ की फॉर्म में था और अभी ये हमारे पास कस्टर्ड है वनीला का कस्टर्ड है मैंने मैंगो फ्लेवर मंगवाया है मैंगो था वनीला था सॉरी मैंगो नहीं था वनीला था तो यहाँ पे मैंने एक ठंडा दूध ले लिया ठंडा दूध नहीं लिया मतलब एक कप में ठंडा दूध ले लिया है उसमें मैं तकरीबन पाँच के करीब ना पाँच चम्मच के करीब भी ये डालूँगी लेकिन एक्चुअली मेरे पास दो के जी दूध है ज़्यादा दो के जी दूध में ज़्यादा ही कस्टर्ड डलेगा तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा लेकिन मैंने यहाँ पे पाँच चम्मच डाले थे लेकिन ये कम हो गए थे मैंने दो चम्मच मज़ीद और भी डाले थे बाद में क्योंकि वो थिक नहीं हो रहा था तो आप देख लीजिए देख लीजिएगा कि अगर आपका कस्टर्ड थिक ना हो तो ये आप ना उसमें थोड़ा थोड़ा और ऐड करते जाए तो फिर इसमें मैंने डाल के इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना ताकि इसकी गुटलियाँ शुटलियाँ सब ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे हमारा जो दूध है वो बॉयल पे आ चुका है तो इसमें भी मैंने कुछ नहीं डाला इसमें जस्ट आपने सबसे पहले कस्टर्ड ऐड करना है चीनी भी ऐड नहीं करनी वरना इसका जो टेस्ट है थोड़ा सा अजीब हो जाएगा तो खैर यहाँ पे मे मेरे दोनों हाथ मैंने चाहिए थे तो मैंने किसी को बुलाया आओ वही ज़रा कैमरा पकड़ो मैं इसको मिक्सी मिक्सी करूँ तो जैसे आपने इसमें डालते जाना है साथ में आपने इसको मिक्स करते जाना है ठीक है आपने चम्मच को बिल्कुल नहीं रोकना जैसे ही आप चम्मच रोकेंगे वो गुटलियाँ बन जाएगा और फिर आपका कस्टर्ड हो जाएगा ख़राब मैं कहती हूँ बर्बाद हो जाना है दुध भी खराब होना है तो कस्टर्ड भी खराब होना है तो तूसी बकर जलील होना <laughs> खैर मैं ना सारा ही पब्लिक चूक के इसके अंदर डाल रही हूँ ये देखे ये मैंने सारा डाल दिया अभी देखो मेरा हाथ फ्री हो गया अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स वेल इट करूँगी मैक्स विल इट कोई नहीं मिक्स मिक्स वेल इट चलो जो भी यार अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक तो मेरा और इंग्लिश का तल्लुक मियाँ बीवी का जो ज़िंदगी भर एक दूसरे को समझ में नहीं आते लेकिन उनको झेलना पड़ता है तो खैर छोड़ो इन्होंने गलों तो में तो थोड़े न मैं स्ट्रीम तो भी करती रहनी दी रहो एनू ना मैं थोड़ा जहा और पकाऊगी इसको मैं और पकाऊंगी थोड़ा अभी ये पतला है लेकिन अभी ये पकेगा ना तो ठीक हो जाएगा तो खैर मैंने इसमें ना ये ज़्यादा और ठीक नहीं हो रहा था मैंने और दो चम्मच ऐड किए थे उसके बाद ये ठिक हुआ था और इसके बाद मैंने एक कप चीनी डाला है आप जो चीनी डालनी है ना अपने हिसाब से डाल लीजिएगा मैं अपने हिसाब से डाली क्योंकि तो हमारे घर में में चीनी जो ना बहुत कम खाते हैं मतलब हमारी फैमिली में ना चीनी नहीं खाते ज़्यादा तो उसी के हिसाब से मैंने इसमें बस तकरीबन इसको शुगर बहुत ही कम रखा है अबू को बिल्कुल शुगर पसंद नहीं, नहीं क्योंकि उनको शुगर है तो उनके शुगर हाई हो जाती है दैट्स इट उसके बाद आ जाते हैं जी हमारा जो कुकर है वो शंग शन शन कर रहा था और साथ में मैंने इसमें इलायची डाली इलायची डाल के मैंने इसको अच्छे से पकाऊंगी और इसको फिर मैं पकाने के बाद इसको मैं ना ठंडा होने के लिए रख लूँगी इधर साथ में मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे तो एक वो गैस वाला चूल्हा था और दूसरा सिलेंडर वाला था तो मुझे चार चाहिए थे क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करना था यहाँ पे मैंने जो अपना ये जो गोश्त रखा था ना मटन मटन तो ये देखो ये हमारा बन गया तो इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया है ना तकरीबन मैंने बंद ही कर दिया था शायद तो इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी मटन निकाल के मैंने कढ़ाई में डाल है अभी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है ना वो जो उसको मैंने कूट के रखा था तो उस लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ठीक हो गया इसको मैंने इसमें डाल के ये मैंने जो यखनी बची थी वो भी निकाल ली है क्योंकि मैंने वो देख लिया था गोश्त गल गया फिर ज़्यादा गल जाना था तो इसलिए मैंने यखनी निकाल ली है यहाँ पे हमारा जो है ऑयल वो ख़त्म हो गया था मैंने बिशमिल्ला पढ़ के इसमें ऑयल डाला है और अभी जो ऑयल जाएगा हमारे कढ़ाई में तो माशाल्लाह गोश्त बहुत ही खूबसूरत था और बड़ी ही ख़ूबसूरती से गल भी गया था यहाँ तकरीबन दो से तकरीबन तीन चम्मच के करीब मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी आप घी यूज़ करना चाहे तो आप कर सकते हैं हर इंसान की अपनी पसंद होती है लेकिन मैं ऑयल यूज़ करती हूँ उसके बाद इसमें आ रही आ जाती है मसाले ऐड करने की एक चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है इसी के साथ तकरीबन तीन चम्मच के करीब मैं सूखा धनिया डालूंगी क्योंकि मुझे सूखा धनिया बहुत पसंद है आप लोगों की मर्ज़ी है आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं आप साबुत भी डाल सकते हैं और दो चम्मच के करीब मैं इसमें काली मिर्च डालूंगी तकरीबन ये दो के जी है मैंने दो के जी का हिसाब लगा रही हूँ आप उस हिसाब से अपने मसाले वगैरह ऐड कर लीजिएगा ठीक हो गया तो यहाँ पे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च की एक चम्मच जाएगी नहीं दो चम्मच डालूंगी दो चम्मच जाएंगी क्योंकि चिकन गोश्त हमारा ज़्यादा चिकन नहीं है मटन है मैं भी पागल हो गई होगी अच्छा यहाँ पे मैंने तकरीबन एक चम्मच नमक पहले भी डाल चुकी थी जब मैंने इन्हें बॉयल किया था अभी तकरीबन मैंने दो चम्मच और डाल दिया है तो तकरीबन ये ठीक ही रहेगा वैसे ये ज़्यादा नहीं होगा इसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स इट वेल मतलब मिक्स कर लेना अच्छे से अच्छे से आपने इसमें चम्मच चलाना आए अल्लाह जी देखो पब्लिक कितने अच्छे से गली है हड्डियाँ भी अलग हो गई हैं गोश्त भी अलग हो गया है मैंने इसको ज़्यादा नहीं गलाया क्योंकि मुझे इसकी बुनाई भी करनी थी वरना ये बुनाई में बिल्कुल ही आटा बन जाना था तो मैंने बस इसे दरम्यना सा गलाया है मतलब कि हाथ लगे और बोटी टूट जाए ठीक है तो बस ये देखे अभी इसमें मिसाले अच्छे से रच बस हंस गए हैं और कितनी ही प्यारी और ख़ूबसूरत शक्ल निकल के आ गई है अगर आप इसे ऐसे भी सर्व करना चाहें तो कर सकते हैं दही के बाद जो उसकी फॉर्म आएगी लेकिन क्योंकि हमारे घर में गैदरिंग थी तो मतलब बहुत ज़्यादा मेम्बर्स आने वाले थे और उनके साथ कुछ बच्चे भी थे और बच्चे आलमोस्ट आलू पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने साइड पे आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे ताकि और जो बच्ची यखनी डालूँगी और साथ में जो आलू ना मैंने तीन चार आलू काट लिए थे ज़्यादा नहीं थे तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा अगर आपको कढ़ाई की फॉर्म में खाना है तो सिंपल आप दही के बाद इसमें हरी वो डालें क्या कहते हैं हरा धनिया डालें गरम मसाला डालें और डेट्स आप इसको ख़त्म कर लें मतलब उतार लें चूल्हे से लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें हल्का सा शोबरा देना था और साथ में देने से थोड़े से आलू तो इसको मैंने बंद कर दिया है और उसके बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है और इसमें डाल दिया मैंने यखनी यखनी जो कि मेरे पास तैयार पड़ी थी मैंने निकाल रही थी ऑलरेडी तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत लग रही है मोस्टली uh, जो मटन का होता है ना तो इसका जो शोबरा होता है ना वही खाने वाला होता है मज़ा तो तभी तो आता है ना मतलब लेकिन हमारी फैमिली ज़्यादा आ रही थी तो ज़ार है मुझे थोड़ा सा इसमें शोबरा रखना पड़ेगा और इसी के साथ मैं आलू डाल रही हूँ क्योंकि आलू हर घर की पसंद है हमारे घर में बच्चे बहुत ज़्यादा है और जो फैमिली हमारे घर आ रही थी उनके भी बच्चे बहुत ज़्यादा थे और उनकी फरमाइश थी स्पेशली कि प्लीज़ सालन में आलू डाल लीजिएगा हमारे बच्चे खाना नहीं खाते मैंने कहा चले ठीक है मैं आलू डाल दूँगी तो मैंने तकरीबन ना बच्चों के हिसाब से थोड़े से आलू डाले और यहाँ पे मैंने तकरीबन जो यखनी बची थी ना बस वही ही डाली है मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड नहीं किया आपको कढ़ाई चाहिए हुए अगर आपको कढ़ाई चाहिए तो आप मज़ीद जो पहले वाला तरीका मैंने बताया ना बस वहाँ तक कीजिएगा ये आगे वाला स्टेप आप मत कीजिएगा ये स्टेप सिर्फ मेरे लिए था क्योंकि तो मैंने कढ़ाई नहीं खानी थी या मेरे दावत पे जो आने वाले थे उन्होंने कढ़ाई नहीं खानी थी उन्होंने खाना था सैलन तो यहाँ पर मैं सैलन बना रही हूँ क्योंकि मोस्टली मटन का जो होता है ना शोबरा वही खाने वाला होता है तो यहाँ पर मैंने तकरीबन दो चम्मच के करीब गर्म मसाला सूटा है और इसको अच्छे से मिक्स इट वेल अच्छे से मिक्स है यहाँ मिक्सर टल मेरी जान नहीं छा <laughs> ओ वही खैर कोई नहीं <coughs> मैं अन, अने तू वाइस ओवर कर रही हूँ मैं कहीं भी ब्रेक नहीं लगाई <laughs> खैर अभी मैंने अच्छे से मिक्सी ट्वेल कर लिया और अभी इसमें बारी आती है सूखा धनिया गीला अरे हरा धनिया डालने की कितनी प्यारी शक्ल लग रही है यकीन मुंह में पानी तो आ रहा होगा किस किस के मुंह में पानी आ रहा है मुझे कमेंट जरूर करना यार लव मटन मटन और शोबरे वाला ओए ओए आलू गोश्त मटन यम्मी युम युम खैर इसके ऊपर मैंने तुड़का है दुड़का है हरा धनिया और देखो कितना ही खूबसूरत लग रहा है मेरी प्यारी सी पब्लिक अब जब आएंगे मेहमान तो मैं इसे ओवन में गर्म कर लूँगी ज़्यादा और आ, मतलब सूखेगा नहीं और इसी के साथ पब्लिक देख ले मैम कस्टर्ड की गार्निश करने जा रही हूँ मतलब कस्टर्ड को सजाने जा रही हूँ यहाँ मैंने बाउल में तीन अदद केप कप नहीं नहीं कप यार के, वो फ्रूट केक होते हैं ना वो लगा दिए उसके ऊपर मैंने अच्छे से ये वाला जो है ना क्या उसको कहते हैं कस्टर्ड इसको अच्छे से फैला लूंगी ठीक हो गया इधर उधर अगे पीछे सज्जे खपे खैर अच्छे से फिला लेना है देखते जाए मैंने बनाया कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया है इसके बाद मैंने ना इसके ऊपर वाह वह सारे जो है ना सेब इनके मैंने छिलके नहीं उतारे मैंने ये रेड कलर में लिए थे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और उसी के साथ मैंने ये बनाना काट के रखे हुए हैं छोटे छोटे बनाना काट के इसके ऊपर लगा दूंगी और साथ में मैंने इसके ऊपर एक और लेयर दूंगी कस्टर्ड की देव हाट साढ़े चार बुबू 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 देखते जाए पब्लिक कितने ही खूबसूरत इतने से मैं कस्टर्ड को सजा रही हूँ तुम लोग को क्या लगता है कि पिंकी सिर्फ पब्जी खेलती है वो पिंकी को बड़े काम आते हैं है। मेहंदी सीरी पिंकी के वो वो काम आते हैं जो तुम्हारी सोच में नहीं है <laughs> अपने मोहम्मठ ख़ैर को नहीं अपनी तारीफ तो करनी चाहिए खैर इसको मैंने मिक्स इट वेल नहीं नहीं मिक्स इट वेल नहीं इट वेल well कर लिया इसके ऊपर मैंने और बनाना अच्छे से सजा दिए खिलार दिए अभी इसके ऊपर थोड़े से और मैं आ, ये क्या है सेब एप्पल एप्पल खिलाड़ दूँगी इसके बाद मैं इसके ऊपर बादाम खिलाड़ दूँगी पब्लिक वन वन करके वन टू थ्री गोट बुबू और इसके बाद मैं इसके ऊपर खिलाड़ूंगी किसमिश <laughs> अगर आपको किसमिश पसंद नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं आफ्टर दैट मैं इसके ऊपर खिला कोकोनट जो कि मैंने कदूकाश मतलब गार्निश ऐ नहीं भाई उसके छोड़े लहा के रखे हुए हैं मतलब उसको कुछ खिंची खिंची करके छोटा छोटा ब्रीक ब्रीक कर लिया और इसके ऊपर ऐसे सजा दूंगी इसके बाद भाई हमारे घर में जो ना लेके आए थे वेफर तो ऐसा कहते इस पर वेफर भी लगा दो तो खैर मैंने यहाँ पिंक कलर के वेफर थे ये पिंक कलर का बनेगा और दूसरा बाउल है वो चॉकलेटी वेफर थे तो वो चॉकलेटी कलर का बनेगा तो खैर यहाँ पे मैंने यहाँ पे चार सींग लगा दिए दरमियान में मैंने खुद ही नहीं पता ये बने क्या आ गया लेकिन मुझे मुझे अच्छा लगा मैंने कार दिया लेकिन ज़िंदगी में जो चीज़ अच्छी लगे वो कभी कभी कार लेनी चाहिए एक वेफर बचा था पांच होते हैं वो मैंने कुछ ही मुछी करके इसको ऊपर खलार दिया और देखे पब्लिक इसकी शक्ल कितनी ही प्यारी लग रही है और ये इतना ही था कि मैं बता नहीं सकती कि तकरीबन हर बंदे ने दो दो तीन तीन दफ़ा ये लिया मतलब मैंने दो बाउल भर के बनाए थे मतलब फैमिली ज़्यादा थी तो मैंने उसी हिसाब से हर चीज़ बनाई मतलब बहुत ही पसंद किया सब ने और ये देखे सेकंड बाउल मैंने इसको सजाया है वो क्या कहते हैं चॉकलेटी वेफर से चॉकलेटी वेफर ये मेरे पास दो बाउल थे अभी मैं इनको फ्रीज़र में रख दूंगी तो ये काफ़ी अच्छे से फ्रीज़र में नहीं रखूँगी नीचे रखूँगी ज़्यादा ठंडे नहीं चाहिए क्योंकि सर्दी है तो ये वरना ये बर्फ़ जम जाएगी तो इसी के साथ मैंने इनको चूका है और नीचे फ्रिज में रख दिया है खाने की वीडियो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी इतनी ज़्यादा कि मुझे मोबाइल उठाने का मौका नहीं मिला तो खैर यहाँ पर पांडे तोते हुए तो मैं आपको दिखा ही सकती हूँ मैंने ना बाद में ऐसा से कहा भी मैंने कहा ऐसा ये क्या चबल मारी कहती क्या मैंने कहा ना खाना निकालते हुए दिखाया ना लगाते हुए दिखाया कहती मुझे भी याद नहीं रहा और मुझे भी याद नहीं रहा क्योंकि फ़र्स्ट वे लॉक था मुझे इतना तजर्बा नहीं था खैर यहाँ पर ऐसा रो रही थी मेरे हाथों टूट गया आई I मीन mean, मेरा नो टूट गया और पब्लिक यहाँ पे मैंने राइस भी बनाए थे जीरे वाले राइस बनाए थे बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारे चिकन डाल के बट वो वीडियो में डाल नहीं पाई क्योंकि मुझे वो बहुत जल्दी में मैंने बनाए थे लेकिन राइस की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ आपको रेसिपी पता होगी अगर किसी को नहीं पता तो राइस वाली रेसिपी जरूर देख लीजिएगा यहाँ मैंने चाय बना ली थी इनके लिए चाय रख दी थी और इसके बाद देखिए ऐसा ने पूरा ही किचन साफ़ कर दिया और कितना ही खूबसूरती से नीट एंड क्लीन कर दिया था मैं बड़ी तरीफें कर रही थी मैंने कहा शहजादी कहाजादी है क्योंकि खाना सारा मैंने बनाया था ऐसा ने सिर्फ रायता बनाया था और रायते की आई थिंक उसने ब्लॉग भी अपलोड नहीं किया था और इसमें सिर्फ यही हो रहा था रायता 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 लेकिन यार मैंने बाद में भाभी से और इसे दोनों से पांडे तो आए मैंने कहा तो पांडे अब मुझ इतनी पता नहीं मैं खाना भी बनाऊँ और पांडे भी तो पांडे मैं नहीं तो पा होती है और और इसी के साथ पब्लिक हमारे ब्लॉग का एंड होने वाला है अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा थैंक यू सो मच दुआ में याद रखिएगा बाय बाय